अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं पुर्तगाल से हूँ और इस वक्त बेजा डिस्ट्रिक्ट में हूँ, और मैं आज आपको यहाँ पे जो डेरा होता है इनका, ये देखें, ये प्लांटेशन हुई हुई है और ये यहाँ पे मैं जो डेरा है उनका, इसको मंथा कहते हैं, उसकी सैर करवाता हूँ आपको। ये इस तरह का मंथा होता है, इनका डेरा होता है जैसे हमारे पाकिस्तान में डेरे होते हैं। और ये यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड होता है उसने अपना डेरा बनाया होता है और वहाँ पे ज़रूरी सामान वगैरह रखा होता है। तो यहाँ पे ये डीज़ल वगैरह स्टोर किया हुआ है इन्होंने। ये इनके ट्रैक्टर हैं, बड़े मज़ेदार किस्म के। मुझे ज़ाती तौर पे इनका जो डिज़ाइन है वो बहुत पसंद आता है। ये देखिए जी, कितने मज़े का ट्रैक्टर है इनका। ये ट्रैक्टर इनका खड़ा हुआ है, ये इस किस्म का ट्रैक्टर है। इसके पीछे इनका इक्विपमेंट वगैरह, हल वगैरह लगा हुआ है, जैसे इसकी मशीनरी वगैरह लगी हुई है। ये बॉक्सेस हैं, इसमें ये जो लोड कर रहे हैं लड़के बॉक्सेस, इन बॉक्सेस के अंदर प्लांट्स हैं जो कि स्पेन से आए हैं। और ये जो प्लांट्स हैं इनको फील्ड्स में लेके जाएंगे, खेतों में ले जाके फिर इनको, इन प्लांट्स को इन बॉक्सेस में से निकाल के उगाएंगे। ये देखें जी, एक सोलर पैनल भी लगा हुआ है यहाँ पे, सोलर सिस्टम भी ये यूज़ करते हैं, कुछ स्टोरेज के लिए भी इन्होंने जगह बनाई हुई है, यहाँ पे स्टोरेज भी बनाई हुई है। कुछ और ट्रैक्टर ट्रॉलीज भी खड़ी हुई हैं, और भी इक्विपमेंट वहाँ पे सामने आगे खड़ा हुआ है। तो ये इनका, ये पैलेट्स वगैरह पड़े हुए हैं। तो पुर्तगाल में जो है ना, ये सब एनवायरनमेंट होता है, यहाँ पे डेरे वगैरह बनाए होते हैं इन्होंने और उनमें अपनी ज़रूरत की चीज़ें वगैरह रखी होती हैं। ये कोयल की आवाज़ भी आ रही है। खूबसूरत मौसम है, सुबह सुबह का टाइम है, सुबह 7-8 बजे का टाइम है। यहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो सुबह 7:30 बजे काम शुरू कर देते हैं और 7:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक 8 घंटे काम करते हैं। इससे ज़्यादा अगर इनको काम करना पड़े तो फिर ये ओवर टाइम काम करते हैं, फिर ओवर टाइम के भी इनको पैसे अलग-अलग मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम इस वीडियो को ख़त्म करूँगा, फिर इंशाल्लाह आपको और ग्लिम्स वगैरह दिखाता हूँ।